Listo. Assalamu alaikum. My name is Fatima Batool. Currently, I'm teaching in University of Lahore. And for 4 years, I have taught in Government College University and Punjab University. If you want to see my writings, you can Google me. I write for Pakistan Today and the news. Today, we are going to discuss why students fail in English. The first part will elaborate why English essay. My question is, do you think that writing 3,000 words is going to qualify you in the paper? Or do you think that making an outline or writing a thesis statement would qualify you? This is bizarre because there are so many people in the market, there are teachers, and then there are those who have qualified CSS. They will be giving you all types of advices. They will be telling you that you should do this, you should do that, and you should read this, you should read that, you should make an outline, and you shouldn't make an outline. They didn't write a thesis statement, and they qualified for the paper. Everything is true, and none is true. Because if you make an outline, that doesn't mean that you can qualify. Okay? आउटलाइन बनाने से आप पास नहीं हो सकते अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी है और अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिख दी है तो आपने अगर अच्छा एसे नहीं लिखा तो तब भी आप पास नहीं होंगे और अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई बट आपको पता है कि एसे कैसे लिखते हैं तो यू विल क्वालिफाई आपने थीसिस स्टेटमेंट अंडरलाइन नहीं की बट डू यू डू हैव एन एक्सप्रेशन विच शोज दैट यू कैन राइट यू विल क्वालिफाई my suggestion, my first advice would be, do not listen to everyone. This is something which will only deteriorate your style, your creativity, and your passion. Use your common sense. Okay? This is number one thing. You fail in essay because you listen to everyone. Try to make an opinion and follow that. सबसे बड़ा मसला जो मैं देखती हूँ as a CSS mentor is confusion. You don't know, you want to write an essay, but you don't know how to write. Then you know, you have no idea about the topic. You pick a topic, let's say water crisis, good governance, taxation, creation of new province. You pick a topic and you think that you can write on it. जबकि आपको idea ही नहीं होता कि examiner ने आपको जो topic दिया है वो टॉपिक एक खास तरह के एसे को डिमांड करता है नॉट ऑल टॉपिक्स आर इक्वल नॉट ऑल एसेज कैन बी रिटन इन द सेम स्टाइल 100 नंबर का एसे का पेपर है अगर वो आपसे 100 नंबर आपको दे रहा है ठीक है आप सोच सकते हैं कि 20 नंबर 40 है आपको 40 नंबर मिलने चाहिए लेकिन 100 नंबर का एसे क्यों है 100 नंबर का एसे इसलिए क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल नहीं है और ये उस तरह से अटेम्प्ट नहीं हो सकता जिस तरह से 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट होता है आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक आप पिक कर रहे हैं वो एनालिटिकल है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है वो एक्सपोजिटरी है वो कंपैरेटिव है वो कैसा है जब तक आपको टाइप नहीं समझ आएगी टॉपिक की तब तक आप उस तरह का एसे ही जनरेट नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक टॉपिक भी अच्छा पिक कर लेते हैं लेकिन उनकी अप्रोच गलत होती है अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छे बच्चे का एसे चेक किया वो था आर मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स ही इज ब्रिलियंट लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने होली वॉर को रिलेट कर दिया टेररिज्म के साथ एक्सट्रीमिज्म के साथ एंड ही मिसपरसीव्ड इट कि जी ये जो टेररिज्म है ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसको हम एक होली थिंग समझ के कर रहे हैं जबकि मॉडर्न वॉर्स जो है वो डिप्लोमेसी से लड़ी जाती है दिस टॉपिक हैड नथिंग टू डू विद टेररिज्म देन देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया नो क्लू कि जो बात पूछी जा रही है वो क्या है ये तो मैंने आपको बताया ना फेल होने की वजह कि एक बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो टॉपिक क्या कह रहा है दूसरी बात ये कि आपकी अप्रोच गलत होगी एक बात उसने पूछी है और आपको आइडिया ही नहीं कि उसने क्या पूछा है ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर मैंने इतने एसेज चेक किए हैं जिसमें बच्चे ग्लोबल विलेज को रिलेट कर देते हैं
ग्लोबलाइजेशन के साथ. ग्लोबल विलेज इज वन थिंग, ग्लोबलाइजेशन इज अनदर. ग्लोबलाइजेशन में आप ट्रेड भी करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में आप ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, इकोनॉमी भी आती है, लेकिन ग्लोबल विलेज में तो टेक्नोलॉजी आती है. ग्लोबल विलेज तो आईसीटी है. ग्लोबलाइजेशन अमेरिका उड़ के काला है और ग्लोबल विलेज पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में वीडियो कॉल में अपीयर होना है. दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. अ ब्रिलियंट स्टूडेंट कैन स्पॉइल हिज एसे बाय रॉन्ग परसेप्शन. यू डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू मिसपरसीव इट, यू वोंट क्वालिफाई. Then there is another issue of expression. Most of the students don't have an expression. You don't know how to communicate. You know something, you have written 2500 or 3000 words, but you can't communicate. आप वो बात कह ही नहीं सकते. और मैं बच्चों को बार बार यही कहती हूँ कि आपने पेपर में साथ नहीं जाना. Your answer sheet is going to say everything what is in your head. And if you don't have an expression, if you don't have clarity, if you can't communicate, you won't be saying anything. There would be 2500, 3000 words that don't mean anything. Theek hai? So you should know that expression is very important. Analysis, the ability to analyze something. And then language. Likhna is not writing 3000 words. Likhna is proper formal academic writing. You are supposed to write a formal academic essay jiski ek perfect language hoti hai, proper language hoti hai, the language which you find in books, not in notes. Agar aap notes ko consult karte hain aur aapko lagta hai ki that is enough, that is not enough. You are supposed to read books. Aur phir wo jo sare bacche newspaper padh rahe hote hain, you should read newspaper, but you are reading it for your current affairs, for your general knowledge. आप न्यूज़पेपर को राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब तक आपको आइडिया हुआ होगा कि एवरी राइटर हैज हिज और हर ओन पंक्चुएशन. इफ यू रीड माय आर्टिकल, आई हैव माय ओन पंक्चुएशन. सो यू कांट फॉलो द जर्नलिस्टिक जार्गन, यू कांट डू दैट. यू कांट राइट लाइक कॉलमिस्ट और एडिटोरियल, लाइक कॉलम्स एंड एडिटोरियल्स आर रिटन. दिस इज एन एसे, दिस इज अ कॉम्पिटिशन एग्जाम. ठीक है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. देन टाइम मैनेजमेंट. अनफॉर्चुनेटली अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइंड कुडंट क्वालिफाई जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही फॉरगॉट हिज वॉच एट होम, एंड देन व्हेन ही वाज राइटिंग देयर वाज नो क्लू ऑफ टाइम, एंड ही ओनली केम टू नो अबाउट इट व्हेन देयर वाज ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट. आधा ऐसे उसने कर लिया, आधा ऐसे रहता था, और ऐसे था देयर इज नो लाइफ विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी. So he attempted half of that essay and the other half of the topic was just left unwritten. So he couldn't qualify and got 25 marks. What a pity. Then distraction. You are writing about one thing and then you get distracted somehow because you haven't made an outline. Aapne brainstorming nahi ki, you are not clear about the idea. You are thinking about so many things. Then you were writing something and then you were carried away by an idea because you thought that the idea was important. This is again wrong. Distraction and time management could destroy your writing. Inadequate knowledge, you don't have sufficient content and everything. There are so many issues in students that I personally think that this is impossible to talk about everything in just one go. Anyhow, when we talk about essay, there are three parts of essay or three things which are always needed in an essay. One is language, the other one is content, and then the third thing is the technique. Language is mandatory, of course. This is an English essay. जो आपको सवाल नंबर के लिए दिया जा रहा है, you're supposed to write it in English. And a good essay is the one which has an expression. Content is very important. मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि हम जब session शुरू करते हैं, आप अपने journals बनाएं, diaries बनाएं, register बनाएं. नोट करें एजुकेशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर, करप्शन के मसाइल एंड एवरीथिंग. लेकिन दे डोंट डू दैट बिकॉज दे थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर
to give you the content? How can I give you the content on everything? Even if I give you that, you won't be able to do anything because this is something you should be looking for, not I. My job is to tell you the technique. My job is to tell you how to do the brainstorming. Language to improve kar sakte, expression develop kar sakte, but not more than that. There are so many things, so many areas on which you have to work, and no shortcut is going to help you out. Believe you me that shortcuts are not for CSPs. वो इसीलिए इतना कम उसने passing जो percentage है वो इतना कम इसलिए हुआ है because Commission is giving you a message, a very strong message that CSS is not for everyone. I'm not saying this to discourage anyone. I'm just asking you to be more vigilant, to be more hardworking, to give your best. I'm asking you not to go for notes. If they have suggested, recommended some books, read those books. Develop the habit of reading books because it is only after reading books that you can develop your own opinion, your own insight, your own analysis. And your language, above all, you will be developing your language through books. जब आप notes के पीछे जाते हैं, तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है? Essay writing की एक technique होती है, वो मैं आपको बता सकती हूँ, तो आपको कोई भी बता सकता है. And that technique is simple. In that technique, what you are supposed to do, you are supposed to write an introduction and a body, and then a conclusion. Introduction is has three parts: attention catcher, thesis statement, and a preview. Thesis statement is the thing which shows clarity. Do you have clarity? Are you clear? Let's say we can take two topics. Life without controversy is no life. But why one should not choose safe haven of conformity? Conformism. Okay? This is just one topic. So when you are asked to write about this topic, you should be clear. The examiner is asking you why one should not, why? So you should know. Your thesis statement should be answering that why. Then life without controversy is not no life. What do you mean by controversy? What type of controversy is that? And what do you mean by life? Ye sawal abhi ye topic jo tha 2017 wale essay mein aaya. So what do you mean by life? And what is controversy? Is it day-to-day life, office life, human life? वो stone age से लेके जो हमारी ये आजकल की global village है तब तक की life do you mean by that? And what is controversy? And what is the safe haven of conformity? You should be very clear about this idea and your thesis statement should talk about it. Then we have another topic, global village, learning to live together. Now, if you are going to write about this topic, you should know what global village is and what do you mean by learning to live together. The student who misperceived global village or globalization would write, gee, learning to live together ka matlab hai ki states should learn to live together. States should make such policies that are friendly, that are peace-loving, there should be no wars, there should be open trade and all other things. While the topic global village is actually about that human connection, that connection between two people, that is global village. Global village is that, is a place in which a person living in any part of the world could connect with another person living in any other part of the world and they could develop a relationship. They could develop a human bond. They could see each other. They could understand each other. They could know each other. That is global village. And your thesis statement would elaborate that. Technique is very important. If you are writing an essay, your attention catcher, your thesis statement, your preview. Preview is a brief summary of the essay. You have introduced your topic. Now you are supposed to justify it in the body of your essay. How you are going to do that is very important because you have selected some content, a lot of content. Let's say aapne bahut sari brainstorming ki, bhi aapne bahut kuch padha hai, aapke paas sara content hai. But how to pick those things that are relevant? Relevant material ko pick karna aur phir us relevant material ko aise accommodate karna ki wo aapke topic ke saath saath chale. Aur us information ko aap kaise organize kar rahe hain? Journal to specific,
most important to least important, chronological, or is it a comparison? You should know. That's how you organize the body of your essay. And when you come to conclusion, like I've just talked about that essay, Life Without Controversy is No Life. Why one should not choose the safe haven of conformity? Why one should not choose? Is topic ke andar aadha topic aapka conclusion pe hai. Wo aapse arguments maang raha hai ki bhai, why one should not do that? You have to persuade the reader. You have to convince the reader, your examiner, ki why one should not do this. Safe haven ko kyun chhodna hai? Conformity kyun chhodni hai? Your conclusion is so important in such an essay. अगर आप कंक्लूजन में नहीं बताते कि कंफॉर्मिटी क्या है, इस सेफ हेवन को आप छोड़ रहे हैं इंडिविजुअलिटी के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, यू बिकम अ सोशल कंट्रोवर्सी. व्हाई वुड यू डू दैट? यू हैव टू जस्टिफाई इट, यू हैव टू गिव सॉल्यूशंस, यू हैव टू गिव रिकमेंडेशंस, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये काफी नहीं होता कि आप सजेस्ट कर लें. सजेस्ट करना क्या होता है? आपको चाहिए कि आप कंट्रोवर्शियल लाइफ को, लेट्स से इफ यू आर सपोर्टिंग इट, या आपको चाहिए कि आप कंट्रोवर्सी को सपोर्ट करें, वो कंट्रोवर्सी जो हमने साइंस में देखी, जो हमने फिलॉसफी में देखी, जो हमने दुनिया में थ्रू आउट देखी, जिससे दुनिया ने लर्न किया, इंसान ने लर्न किया, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ. आप कहते हैं जी इट्स गुड, नाउ गिव अ सॉल्यूशन. हाउ वुड द कंट्रोवर्सी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ make a difference in the lives of others? Social revolution kaise aata hai? Human evolution kaise hota hai? These are the things that about which you should be thinking. My point is, if you are not thinking about something, if you are not clear, if you are only reading and not developing an opinion, you won't be able to write an essay. Essay 20 number ka sawal nahi hai, essay 100 number ka paper hai. You are going to be a part of bureaucracy. The most important thing in your country, you should be an excellent reader. You should be an excellent writer. This post desires, requires excellence. I'm not saying that not everyone can do that. I'm personally so disheartened, so discouraged that so many good students could not qualify just because they flunked in one subject or another. They were so good. But the thing is that maybe something was missing. Maybe they need to work on some other areas. Maybe they have to do something. Something more. Something in terms of improving their opinion, improving their approach. There is always the element of fate. What we can do as students is, number one, have the content. Then practice. When students come to me and I ask them to practice, we have these classes every day. Students come and then I have to, you know, I have to ask them every day, people, kaam kyun nahi kiya, kaam kyun nahi kiya, because they are not working. And when you force them to work, they work, but they only work for throughout those classes. And when you go out with the impression ki bhai, humne is teacher se padh liya hai, humne 2 mahine padh liya hai. अब हमें आता है, now we can write. So it's not going to work. You have to write. You have to write daily, because this is not just one essay paper. You have to understand कि 1200 के सारे papers, 1200 number के आपके English में हैं. So you will be writing English in 12 papers. So improving your expression doesn't mean getting those 100 marks in your essay. It also means getting those 100 marks in your composition paper and later scoring your 1000 marks with better English, because you can better communicate. Expression develop karna is very important. Working on your language is very important. Your analytical approach is so important. You are writing about water crisis and you don't have the ability to analyze it. You don't understand that water crisis is not a crisis जो कि उसके बारे में आप लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इंसेप्शन के टाइम से था, और ऑफ कोर्स ये था या इंडस वाटर ट्रीटी या इंडिया का रोल, बट यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ईरा, एंड यू हैव टू से दैट एक्चुअली वाटर क्राइसिस इज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज.
और एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि लोग जो हैं वो किस तरह से एक चीज को मिसयूज करते हैं, उसके बाद एक्चुअली यू हैव दोज वाटर रिजर्वोयर्स, लेकिन स्टेट लेवल पे और पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअली सोशली वी आर अनएबल टू कंजर्व इट, वी कांट मैनेज इट. तो इंडिया का रोल इज अलग एंड देन पाकिस्तान का अपना रोल इज अनदर थिंग. आप कितना पानी वेस्ट करते हैं, फिर आप जो मटीरियल दे रहे हैं वो रेलिवेंट कितना है, क्योंकि गलती से आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर 2 सफ़े लगा देंगे. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स थिंग्स अबाउट व्हिच यू शुड बी टॉकिंग. जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे आपने रिजॉल्व करना है पेपर के ऊपर, एंड देन योर एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन योर एक्सप्रेशन. यू कांट राइट अ फर्स्ट पर्सन एसे, योर नैरेटिव शुड बी थर्ड पर्सन, अनलेस के आपको टॉपिक ही वो दिया गया हो जो कि सेकंड पर्सन में हो या जो कि थर्ड फर्स्ट पर्सन में हो, तब तो ठीक है. उसने टॉपिक दे दिया है कि वी आर आवर ओन वर्स्ट एनिमीज, नाउ यू कैन यूज वी. बट इफ ही हैज गिवन यू द टॉपिक वाटर क्राइसिस, यू कांट राइट इन आवर सोसाइटी. व्हाट डू यू मीन बाय इन आवर सोसाइटी? यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी. सो वो जो नाउन पहले आता है फिर प्रोनाउन आता है, यू शुड हैव दैट क्लैरिटी. क्योंकि जब आप अपनी सोसाइटी के बारे में लिखे होते लिख रहे होते हैं, यू आर सो सब्जेक्टिव कि आप अच्छा भला ऐसे जा रहा थर्ड पर्सन में. जैसे ही सोसाइटी की बात है, इन आवर सोसाइटी वी कैन सी वी आर डूइंग दिस, आवर पॉलिटिशियंस आर करप्ट, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इज दैट? आप एक प्रोफेशनल लेवल पे बैठे हुए इतने ग्रेजुएशन के बाद, इतनी सारी डिग्रीज लेने के बाद, यू आर अटेम्प्टिंग एन पेपर एंड यू कांट इवन स्टे ऑब्जेक्टिव. वो जो आप 2,500 वर्ड्स का जो लिख रहे हैं नैरेटिव, उसमें आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं रह सकते और आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं. ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चों का सबसे बड़ा फेयर जो है वो एसे है, वो कंपोजिशन है. अगर आप एसे में पास हो जाए तो यू हैव नो क्लू कि आप कंपोजिशन में पास हो सकते हैं या नहीं. अगर आप एक दफा एसे में पास हो गए हैं तो दूसरी दफा आप डरे हुए होते हैं कि भाई एक दफा पास हो गए पता नहीं दूसरी दफा क्या हो. और रिजल्ट्स में देखें ज्यादातर बच्चे एसे में और कॉम्पोजिशन में वो फ्लंक होते हैं. उसकी वजह क्या होती है कि इफ यू नो, चले हम दोनों में बात नहीं करते, आपने एसे का पेपर क्वालिफाई कर लिया तो आप प्रेसी में रह जाते हैं, कॉम्पोजिशन में रह जाते हैं. क्यों? बिकॉज यू फोकस ऑन ओनली वन स्टाइल ऑफ राइटिंग, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन all styles and all techniques of writing. Anyway, I think it's getting too long. There are so many problems about which we can talk time and again. Examiner aapse ek acha comprehensive, coherent, unified, relevant aur interesting essay maangta hai. You should do that. Aur agar aap is level pe baith ke graduation ke baad aap agar paper dene ke liye ja rahe hain to ye वो जो आपका बीए वाली इंग्लिश का फेयर था ना, ये उससे 1000 दर्जे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर है. दैट डजंट मीन कि आप डिस्करेज हो जाए, आप इंटिमिडेट हो जाए, आप कहें कि ओ वो ये क्या हो गया, कैसे करूं, और बहुत मुश्किल है. आप मुख्तलिफ लोग आप मुख्तलिफ लोगों से पूछे कि भाई ये कैसे करना है. नो, यू शुड नो कि अगर ये एक मुश्किल चीज है तो इसका मतलब ये है कि यू आर सपोज टू वर्क हार्डर, you are supposed to work more, you are supposed to dedicate more hours to your writing, to your reading. This is what you should be doing. If you have any queries, you can send them to me. I'm very sorry, there are so many comments, but the problem is that obviously everything can't be, I just can't comment on everything at the moment, but ye hai ki I'll reply to those comments and then you can just send me your queries if you want to in the club. And then there's the phone number if you want anything. Already there are so many students who are sending me their writings. But let me tell you one thing. Online teaching is not going to work. This is just a tutorial. Aapko ek vision dene ke liye, aapko batane ke liye. This is some serious work. This needs dedication. Aur ye nahi hai ki aapne kisi bhi teacher se, aapne kahin bhi kuch padh liya hai, to aap samjhe ki ab ye kaam ho gaya hai, 2 mahine padh ke, itni classes karke hame ye kaam aa gaya hai.
English is that one thing which requires most maximum of your time.